हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मुझे कल मुंबई जाना पड़ा, कल मुझे मुंबई जाना था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बनाएंगे, आज हम यही सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क के आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये रहा, अगर आपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो आप इससे मैच कर लीजिए, जहाँ पर भी गलती है वहाँ पर आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में हमने पढ़ा है यूज ऑफ हैज टू हैव टू, मींस जाना है, खाना है, पीना है, या जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो हमने पिछली क्लास में सीखा हैज टू हैव टू लगा कर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे उसका पास्ट, और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो भी सेंटेंस हैज़ टू या हैव टू, यानी कि जिस सेंटेंस में भी हैज़ और हैव होता है, हैज़ और हैव लगा कर बनाते हैं, अगर उस सेंटेंस का पास्ट बनाना हो तो उसमें हैज़ और हैव की जगह हैड लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है उसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे कि उसके अंत में वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब के अंत में ना आएगा, और ना के बाद ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े, ऐसा हो सकता है, या ना था, नी थी, ने थे, इस तरह से हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, ये है फॉर्मूला, मेकिंग फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम बनाते जाएंगे सेंटेंसेस को। जैसे उसे काम करना पड़ा, या उसे काम करना था, या उसे काम करना पड़ता था, हम तीनों तरह से बोल सकते हैं, और तीनों तरह के सेंटेंसेस को हम एक ही तरह से इंग्लिश में बनाएंगे कि ही हैड टू डू वर्क। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हैड सबके साथ लगेगा, सबके साथ हैड ही लगेगा, क्योंकि हैज और हैव दोनों का ही पास्ट हैड होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में दो फार्मूले होते हैं, जैसे कि मैंने हैज और हैव में डू और डज लगाकर बताया था, इसी तरह से इसमें डू और डज का पास्ट डिड हो जाता है। तो वहाँ पर नेगेटिव में पहला फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और दूसरा जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू। जब डिड नॉट लगेगा तो हैव टू लगेगा, हैड नहीं लगेगा। तो डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे नेगेटिव में सेंटेंस बोलते हैं कि तुम्हें उससे नहीं मिलना था, तो यू हैड नॉट टू मीट हिम, या दूसरे फॉर्मूला से बनाते हैं डिड लगाकर, तो यू डिड नॉट have to meet him। okay friends, अभी हम interrogative का लेते हैं। interrogative में had पहले लगाएंगे, had plus subject plus to plus verb plus object plus others, या did लगाकर, तो did plus subject plus have to plus verb plus object plus others। okay friends, जैसे क्या तुम्हें मुंबई जाना पड़ा, तो had you to go to Mumbai, या did you have to go to Mumbai। okay friends, अभी इसका हम question word लेते हैं। तो question word में भी जैसा interrogative का formula था उसमें हम उसके पहले question word लगा देंगे, जैसे तुम्हें मुंबई क्यों जाना था, या तुम्हें मुंबई क्यों जाना पड़ा, तो why had you to go to Mumbai, या why did you have to go to Mumbai। okay friends, तो इस तरीके से सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। ये था फॉर्मूलेशन सेंटेंसेस को बनाने का, मेकिंग फार्मूला था। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के द्वारा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसे दूध पीना पड़ा, ही हैड टू ड्रिंक मिल्क, उसे दूध नहीं पीना पड़ा, ही हैड नॉट टू ड्रिंक मिल्क, या ही डिड नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, क्या उसे दूध पीना पड़ा, हैड ही टू ड्रिंक मिल्क, या डिड ही हैव टू ड्रिंक मिल्क, उसे दूध क्यों पीना पड़ा, व्हाई
had he to drink milk? या why did he have to drink milk? उन लोगों को नदी पार करनी पड़ी. They had to cross the river. उन लोगों को नदी पार नहीं करनी पड़ी. They had not to cross the river. या they did not have to cross the river. क्या उन लोगों को नदी पार करनी पड़ी? Had they to cross the river? या did they have to cross the river? उन लोगों को नदी कैसे पार करनी पड़ी? How had they to cross the river? How did they have to cross the river? उसे उस कुत्ते को जान से मारना पड़ा. He had to kill that dog. उसे उस कुत्ते को जान से नहीं मारना पड़ा. He had not to kill that dog. या he did not have to kill that dog. क्या उसे कुत्ते को जान से मारना पड़ा? Had he to kill that dog? या did he have to kill that dog? उसे उस कुत्ते को जान से क्यों मारना पड़ा? Why had he to kill that dog? या why did he have to kill that dog? तुम्हारे भाई को इस साल परीक्षा देनी पड़ी. Your brother had to take exam this year. या your brother had to appear at the exam this year. तुम्हारे भाई को परीक्षा नहीं देनी पड़ी. Your brother had not to take exam. Your brother did not have to take exam. तुम्हारे भाई को परीक्षा कब देनी पड़ी? When did your brother have to take exam? मुझे उसका काम करना पड़ा. I had to do his work. मुझे उसका काम नहीं करना पड़ा. I had not to do his work. या I did not have to do his work. क्या मुझे उसका काम करना पड़ा? Had I to do his work? या did I have to do his work? मुझे उसका काम कैसे करना पड़ा? How had I to do his work? या how did I have to do his work? उसे तुमसे मिलना था. He had to meet you. उसे तुमसे नहीं मिलना था. He had not to meet you. या he did not have to meet you. क्या उसे तुमसे मिलना था? Had he to meet you? या did he have to meet you? उसे तुमसे क्यों मिलना था? Why did he have to meet you? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतना काफ़ी है आपकी प्रैक्टिस के लिए. अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल. फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए. और फ्रेंड्स, वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.